सेटिंग में जाके आपको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल होम बटन दबाना है। होम बटन प्रेस करने का सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम सेटिंग में जाइए, ठीक है। सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटअप है। सेटअप में जाके ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप इधर आ जाओगे, इधर वाले ऑप्शन पे आप देखोगे फर्स्ट नेटवर्क है, फिर प्राइवेसी पॉलिसी, फोटो फ्रेम सेटिंग, यूएसबी ऑटो स्टार्ट, क्लॉक एंड टाइमर्स, ऑटो स्टार्टअप। तो ये ऑटो स्टार्टअप में आप जाओ, ओके दबाओ, तो बोले डू यू वांट टू स्टार्ट ऑटो स्टार्टअप, ये ऑप्शन आएंगे आपको। इसे आपको थ्रू रिमोट ओके पे ले जाना है। ओके पे ले जाके प्रेस कीजिए तो आपको बोलेगा सेलेक्ट लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेज, तो मुझे इंग्लिश सेलेक्ट करना है। इंग्लिश करने का डू यू वांट टू सेट अप इंटरनेट कनेक्शन नाउ, यू विल बी एबल टू एक्सेस इंटरनेट कनेक्शन, तो इसको आप स्किप कर दो। उसके बाद फिर सेलेक्ट रीजन पूछ रहा है, ये एशिया डाल दो, जैसे कि हमारा कंट्री इंडिया है, इंडिया डालने के बाद ओके। यहाँ पे पूछ रहा है कि सेलेक्ट वांट टू ऑटोमेटिकली कीप योर टीवी अप टू डेट, अगर आपको अपने टीवी अप टू डेट रखना है तो आप ओ एन ऑन जो है उसे ओके कर दो, जैसे कि मैंने कर दिया। फिर यहाँ पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट द टाइप ऑफ यूज फॉर दिस टीवी होम, ऑप्टिमाइज द पिक्चर रिकमेंडेड फॉर नॉर्मल होम यूज एंड इज एनर्जी एफिशिएंट, शो ऑप्टिमाइज टू विद द पिक्चर फॉर स्टोर डिस्प्ले। तो जैसे कि हम लोगों को ये डेमो से प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये डेमो को ऑफ करना है, तो आप ये जो है होम पे ले जाके ओके कर देना है। तो आपका जो एक्सेलिटी प्रो इस टाइप से कुछ भी आ रहा था तो वो नहीं आएगा, यहाँ पे होम पे आके ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है डू यू वांट टू स्टार्ट ऑटो ट्यूनिंग, ये आप स्किप कर सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो एज योर विश। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।